बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखें, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना, प्रिपेयर करना। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जब प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उर्दू में बताता हूं, गौर से सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक बनाते हैं। तीन चीजें इसके लिए चाहिए, दोबारा से बता रहा हूं, जोर दे रहा हूं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी। और पत्तों के अंदर एक चीज पहले से मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये चार चीजें पूरी होंगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब वर्डिंग सुनिएगा, दोबारा से बताता हूं डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दिस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्लांट लीव के अंदर। ये प्रोसेस जो है पौधे के अंदर होता है, ये है जी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब प्रोसेस में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल चेंज इनटू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ग्लूकोज जो है वो फूड है, ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट मटेरियल है, बाहर निकल जाती है, और पानी में जो है यहां एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होता है। ये है जी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस इज द ओनली वे बाय विच फूड एंटर इनटू द फूड चेन। सारी की सारी जो खुराक है वो बेस यहीं से है, सूरज की रोशनी से जो एनर्जी कन्वर्ट हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म में आई वो इसी प्रोसेस से आई। तो ये बेसिक है, एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एंटर हो रही है। अब यहां पे हमने बात की कि दो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, रोशनी मौजूद होनी चाहिए और क्लोरोफिल जो है वो पौधों के अंदर ही मौजूद होती है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है। लीव्स ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, पत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, उन सुराखों से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर आ जाती है और मेसोफिल सेल तक पहुंचती है जहां पे क्लोरोफिल पाई जाती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड वहां तक कैसे पहुंची जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही थी। दूसरा हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वाटर। वाटर कैसे आता है? वाटर जो है वो जमीन से रूट हेयर के जरिए से अब्सॉर्ब हो जाता है। रूट हेयर जड़ों में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वो पानी अब्सॉर्ब होने के बाद जाइलम के जरिए से पत्ते तक पहुंचता है, उन्हीं मेसोफिल सेल तक जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है पत्ते के मेसोफिल सेल के अंदर। तो पानी जड़ों से अब्सॉर्ब हुआ, वहां मेसोफिल तक पहुंचा और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से अब्सॉर्ब हुई और वो जो है मेसोफिल सेल तक पहुंची। सूरज की रोशनी होनी चाहिए, मेसोफिल जो है सेल में क्लोरोफिल मौजूद होती है, वहां से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रिपेयर द फूड। ये है डेफिनेशन। और उसके बाद हमने देखा कि रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो वहां तक कैसे पहुंचता है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।